हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज अदिति की शादी की एक रस्म और जो है वो है, यानी कि अभी क्या है, ये जितना भी घर में अनाज होता है जो कि शादी में हम यूज़ करेंगे, उसको जो है साफ़ किया जाता है। मेरे यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, गेहूँ की रोटियाँ ज़्यादा खाई जाती है, तो कि गेहूँ का अनाज जो है वो साफ़ कर रहे हैं। सभी भाभी और मीनू सब मिल के जो है गेहूँ साफ़ कर रहे हैं, और जो बाकी महिलाएं हैं वो क्या है, साथ के साथ जो है यहाँ पे बैठ के गीत गाते हैं। तो ये एक रस्म है, इस तरह से सभी बैठ के घर का जो अनाज है वो साफ़ करेंगे और गीत गाते रहेंगे। दोस्तों, आज जो है लगन लिखा जाएगा, और जितने भी यहाँ पे हमारे चाचा ताऊ जितने भी हैं आसपास में, जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, वो सब यहाँ पर आज इकट्ठा होंगे और लगन लिखा जाएगा। मेरे यहाँ पे लगन की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है कि सारे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद पंडित जी आते हैं, और पंडित जी जो है एक लगन पत्रिका होती है, लगन पत्रिका लिखते हैं, उसके अंदर स्पेस होता है वो कि मार्केट में मिल जाती है, तो वो वहाँ पे लिखा जाता है लगन। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो पाटा है जिस पर बैठेगी अदिति, ये क्या है, एक ऐसा स्पेशल बनाया जाता है बिल्कुल नई लकड़ी का, और ये आपको येलो दिख रहा है लेकिन ये येलो नहीं, एक्चुअली में क्या बिल्कुल नई लकड़ी का होता है, और इसमें कील नहीं होती एक भी, बिना कील का होता है, कील की जगह पे लकड़ी को ही जो है यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों पार्टों में जो है कील बिल्कुल नहीं है, और ये इनका येलो रंग इसलिए है क्योंकि जब नई लकड़ी से ये बनाते हैं तो उसको क्या ऐसे कोरा नहीं रखा जाता, तो इसमें हल्दी लेकर हल्दी को लेप किया जाता है। तो हल्दी का लेप किया हुआ है इस पर, पंडित जी अभी जो है लगन पत्रिका में लिख रहे हैं लगन। यहाँ पे जो है सभी महिलाएं जो है वो गीत गा रही है, और उस साइड पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। अदिति को पंडित जी ने बुलाया है क्योंकि अभी जो है लगन की जो रस्म है वो पूरी करेंगे। रियान क्या है, यहाँ पे बिंदायक है। बिंदायक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या है, शादी होती है, लड़की हो या लड़का हो, तो उनके साथ जो है किसी बच्चे को बिठाया दिया जाता है जिसको बिंदायक कहा जाता है। तो रियान को यहाँ पे बिंदायक बनाया है। लगन लिखने की जो रस्म है उसमें क्या है, जितने भी लोग आते हैं उन सबको क्या है चाय पानी पिलाया जाता है, और उसके बाद जो है जब वो जाने लगते हैं तब उनको शक्कर बांटी जाती है। शक्कर यानी कि जो शक्कर आप सोच रहे हैं कि चीनी को मैं शक्कर बोल रहा हूँ, तो वो नहीं है, शक्कर क्या है जैसे गुड़ होता है वैसे होते हैं। गाँव में तो सबको पता होगा शक्कर क्या होती है, तो ये बहुत पुराने टाइम से क्या है शक्कर बांटने की जो परंपरा है वो है, यानी कि पहले के टाइम पे भी जब शादी ब्याह कुछ होता था तो जितने भी मेहमान आते थे उनको क्या शक्कर बांटी जाती थी, और हमने जो है वैसे ही लिफाफे जो पहले यूज़ होते थे कागज़ के वो लेके आए हम, और उन्हीं में जो है शक्कर बांटेंगे। लिखने की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। दोस्तों, लगन का जो रस्म है वो पूरी हो गई, और हमने जो है शक्कर बांटनी स्टार्ट कर दी। शक्कर सभी को मिले इसलिए कि हम दो तीन लोग जो है ऐसे होते हैं जो गेट पे पेटेंट रहते हैं कि कोई बिना शक्कर के ना जा पाए, इसलिए सभी को जो है शक्कर बांट दी जाती है। लेकिन जो परंपरा है बहुत अच्छी लगती है मुझे, जैसे कि ये जितनी भी रस्में होती हैं ये इनके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है जो समझने वाली होती है। दोस्तों, अभी सभी जो है अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे और लगन लेकर अदिति के ससुराल जाएंगे। आज वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे यहाँ पे लगन लिखा गया है तो वहाँ का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं कि आज लड़के का लगन आने वाला है, लगन है वो लिखा है। अब जो है लगन लेकर जाएंगे दोपहर में 12-1 बजे के लगभग, अभी मार्केट का थोड़ा काम करके आएंगे फिर जाएंगे। अभी सब जो है गए, जिस दिन लगन जाता है उस दिन से जो है घर में गीत गाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रात को क्या सभी महिलाएं जो है आसपास के आकर गीत गाती हैं, तो अभी जो गीत गाने वाले हैं वो तो सब चले गए, कुछ लोग जो है यहाँ आसपास के जो मेरे चाचा ताऊ के हैं भाभी आ रहे हैं वो रुके हैं, तो सब जो है बच्चों के साथ यहाँ पर डांस वगैरह करेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, और ये क्या है अब शादी तक ऐसे चलेगा। जेंट्स हैं इस तरह से अंदर बैठ कर जो है अपनी बातें करते रहते हैं, गप्पे लगाते हैं। यहाँ पर भाई आ रहे हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे भतीजे वगैरह सब बैठे हुए हैं और बातें कर रहे थे आराम से, और लेडीज़ और बच्चे जो है बाहर डांस कर रहे थे। अब मैं आपको मिलूँगा जब हम लगन लेके जाएंगे, वहाँ का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।